वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की खिताबी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निराश और हताश खिलाड़ियों से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। यहां माहौल काफी गमगीन था और खिलाड़ी इस हार के बाद निराश और खामोश दिखाई दिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले तक किए शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ की। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ड्रेसिंग रूम की ये तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। पीएम के साथ खिलाड़ियों की ये तस्वीर शेयर करते हुए जडेजा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, हमारे लिए ये शानदार टूर्नामेंट था, लेकिन हम फाइनल में हार गए। हम सभी का दिल टूट गया है, लेकिन हमारे लोगों का समर्थन हमें आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में आए, ये खास और प्रेरणादायी था। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने पूरे वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल मुकाबले में टीम को जीत नसीब नहीं हो सकी। इस हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार भारतीय खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी अलग था। खिलाड़ियों के बीच एक शांति फैली हुई थी, हर खिलाड़ी का चेहरा उदास था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर छठी बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। इस मैच से पहले भारतीय टीम ने अपने सभी 10 मैच एक तरफा अंदाज में अपने नाम किए थे। ऐसे में टीम इंडिया इस खिताब की बड़ी दावेदार के रूप में मैदान पर उतरी थी, लेकिन पैट कमिंस के कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कोई मौका नहीं दिया। टीम इंडिया को पहले 240 रनों पर ढेर कर दिया और उसके बाद ट्रेविस हेड के बेहतरीन शतक और मानस लुबुशेन के अर्धशतक के दम पर आसानी से फाइनल मैच अपने नाम कर लिया।